भैया जरा पीछे हो जाएंगे, ये चार चार कैमरे लाइव चला रहे हैं सर, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप लोग दिखेंगे टीवी में, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप। नेतृत्व में पूरा देश इस तरह से विकास की तरफ उसका सख्त माल्यार्पण किया जा रहा है स्वाति सिंह का। सभी लोगों का प्रेम देखने को मिल रहा है, जिस तरह से विकास की गंगा बहाई जा रही है विधानसभा में, तो उसको देखते हुए सभी माल्यार्पण कर रहे हैं। राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने महिलाओं का सम्मान किया और अब सभी के द्वारा स्वाति सिंह का सम्मान किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है। पारिवारिक रूप से समृद्ध और प्रतिष्ठित और मजबूत बनाने के लिए संकल्पित रहने वाली वो भारत की बेटी स्वाति सिंह जी आप सबके बीच में, आप सबके बीच मुखातिब होंगी, आपसे आपका संबोधन प्रस्तुत होगा। तो सबसे पहले सभा में आपके संबोधन का समय आ गया है और इस जनता जनार्दन से मिलने का समय आ गया है। देवी तुल्य माताएं बहने, इनको प्रणाम करके इनके आशीर्वाद लेने का समय आ गया है। तो माननीय मंत्री जी को सीधे सीधे माइक पे आमंत्रित करूंगा। एक बार दोनों हाथ सबके उठेंगे, दोनों हाथ उठाइए और अभिवादन करते हुए हाथों को हिलाते हुए जोरदार ताली बजाकर अपनी बहन अपनी बेटी का स्वागत करिए। वाजपेयी की प्रतिमा पे फिर महिलाओं को सम्मानित किया, माल्यार्पण किया, फिर सभी द्वारा उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ, उन्हें भी माल्यार्पण किया गया, जनता ने उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया और अब संबोधन करने जा रही हैं। आज भुलबुड़ी के तालाब के प्रांगण में इस कार्यक्रम का एक भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं जनता का। जिस तरह से उन्हें प्रेम मिला है, महिलाओं को लेके चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और विकास की जो लगातार गंगा बहाई जा रही है उसको देखते हुए भीड़ बता रही है कि कितना प्रेम मिलता है उन्हें उनकी विधानसभा से। अब सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रही है स्वाति सिंह। हमारे सरोजनी नगर के ब्लॉक प्रमुख श्री सुनील रावत जी, संजय रावत जी, रजनलाल रावत जी, हमारे विनोद मौर्य जी, आशीष शुक्ला जी, सुभाष पासी जी, शिवबख्श सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष आए हैं शिवबख्श, हमारे महामंत्री राम नरेश राजपूत जी, अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा सुनील रावत जी, हमारे मीडिया प्रभारी संदीप जी, महामंत्री विशाल रावत जी, हमारे बीडीसी सदस्य प्रेमचंद्र रावत जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास, कहाँ है रामविलास, दल बहादुर सिंह जी, तेज नारायण दीक्षित जी, संतोष रावत जी जो बीडीसी सदस्य हैं, हमारे दूसरे बीडीसी सदस्य दीपक रावत जी, अर्जुन सिंह यादव जी, बच्चूलाल रावत जी, गोविंद सिंह जी, करौनी के जो उपाध्यक्ष हैं रमजान खान जी, हम्माद खान जी, तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी काकोरी क्षेत्र की समस्त स्वयं सहायता समूह की बहनें, यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति, इधर मेरे भाई तुल्य लोग खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, जो एक ढाल बन के ऐसा लग रहे हैं कि हम बहनों के पीछे ढाल बन करके आप खड़े हैं कि हम हैं संभालने के लिए। तुम्हें आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। आज से 5 साल पहले 2017 में यही इसी प्रांगण में, लेकिन उस तरफ उमा भारती जी आई थी चुनाव के दौरान और उन्होंने एक घोषणा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग स्वाति सिंह को जिता देंगे तो मैं वादा करके जाती हूं कि मैं फिर दोबारा आऊंगी और मैं यहां से घोषणा ये इस गुड़गुड़ी के तालाब का ये जीर्णोद्धार करेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीती, सरोजनी नगर की विधायक भी बनी और आप ही के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्री भी बन गई और फिर उमा दीदी आई
मेरे लिए और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि जो उन्होंने वादा किया तुरंत चुनाव के बाद वो आई और यही उन्होंने कार्यक्रम कहा और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर स्वाति को आप लोग जिता देंगे आशीर्वाद दे देंगे तो इसका जीर्णोद्धार मैं करवाऊंगी उससे और वो घोषणा करके गई कि स्वाति अब यहाँ से तो इसमें 21 लाख रुपए लगा करके इसके इसका जीर्णोद्धार कर दो उन्होंने घोषणा किया। लेकिन ये इतना बड़ा तालाब है घुड़घुड़ी का तालाब जिसका 21 लाख में सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता था जीर्णोद्धार नहीं हो सकता था। फिर मैंने पर्यटन विभाग को मैंने लिखा कि क्योंकि यहाँ पर माता सीता ने वनवास के दौरान अपने पैरों को धोया है गोरधुली का तालाब इसका नाम है गोरधुली का तालाब और माँ सीता के लिए जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो माँ सीता के लिए भी यहाँ पर जीर्णोद्धार होना चाहिए इस तालाब। जैसे दस्तावेज चलते हैं कई प्रक्रियाएं होती हैं कि एक टेबल से दूसरे टेबल अप्रूव होने में समय लगता है उसी दौरान कोविड आ गया और कोविड के कारण इस परियोजना को जो मैं पास कराना चाहती थी जल्दी से जल्दी वो हो नहीं पाया जल्दी और क्षेत्र में लोगों ने कहना शुरू किया खासकर विपक्ष के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि बड़ा वादा करके गई थी स्वाति सिंह कुछ नहीं कराया उन्होंने कहते थे कि नहीं कहते थे ना। लेकिन मैंने उस 21 लाख रुपए लगा करके इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता था इसलिए इसमें मैंने प्रपोजल भेजा एक प्रस्ताव बना करके भेजा पर्यटन विभाग में कि आप आइए इसका एस्टिमेट बनाइए। यहाँ पर जमीन का भी विवाद था उस विवाद को दूर किया गया अभी भी कुछ विवाद बचा हुआ है उस विवाद को दूर करने के बाद क्योंकि जब यहाँ प्रस्ताव गया यहाँ पैमाइश के लिए लोग आए इसका एस्टिमेट बनाने के लिए आए तो पता चला यहाँ जमीन का विवाद है फिर उस विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई जो चकबंदी के टाइम में हुआ था वो खत्म किया गया तब उसके बाद जाकर के इसका पैसा पास हुआ और 1,57,00,000 रुपए 1,57,70,000 रुपए पास कराया गया। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अगर वो अयोध्या में ध्यान दे रहे हैं तो वो सरोजनी नगर के घुड़घुड़ी के तालाब पर भी ध्यान दे रहे हैं। और आज मैं इसी मन से पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो आपके पास जा जा करके ये कहते थे कि स्वाति सिंह ने कुछ नहीं किया मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं तो अभी 5 साल से आई हूँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहली बार सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक बना है दूसरी पार्टी के लोग बहुत बार विधायक बने बार बार आए क्यों नहीं आप लोगों ने घुड़घुड़ी के तालाब के लिए कुछ कर दिया वो आए आपके पास आकर के क्या उनकी भावनाएं नहीं थी तभी उन्होंने नहीं किया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और इसीलिए यहाँ गाना हो रहा था कि 2022 में फिर दोबारा भगवा आएगा फिर कमल का फूल खिलेगा। तो अब तो किसी कोई क्या बोलेगा लोग बड़ी शिकायत कर रहे थे कुछ नहीं किए हैं कुछ नहीं हुआ घुड़घुड़ी के ताल में कुछ नहीं हुआ। अब मैं कहती हूँ आकर देखो यहाँ घुड़घुड़ी के तालाब में सौंदर्यीकरण भी होगा और अगली बार ये शंकर जी के मंदिर में जहां मैंने पूजा अर्चना की है इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करूंगी मैं। और सिर्फ यही नहीं जब मैंने पता किया कि यहाँ पर माता सीता ने पैर धोया है इसको बनाया किसने ले माँ सीता ने इस तालाब में पैर धोया लेकिन इसका निर्माण किसने किया तो 18वीं सदी में जमींदार लोधी शोभा सिंह जी ने इस तालाब को बनाने का काम किया था घुड़घुड़ी के तालाब को और अपने अगले कार्यकाल में उनकी मूर्ति की स्थापना भी यहां पर मैं करूंगी ये भी वादा करके जा रही हूं। और ये विपक्ष का काम है वो घरों में बैठते हैं फेसबुक पर लिखते हैं और ट्विटर पर लिखते हैं उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अपने घरों से निकलकर हम बाहर जनता के लिए काम करें उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है। अगर ये हिम्मत है तो सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है
हम सब कार्यकर्ता हैं, यहाँ जितने पीछे खड़े हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोविड के टाइम में हमारा एक एक कार्यकर्ता घरों से निकलकर लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं ने चप्पल तक पहनाने का काम किया है। ये हम कार्यकर्ताओं की भावना है, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। और विपक्ष के लोग क्या करते हैं, वो घरों में बैठकर सिर्फ ट्विटर पर और फेसबुक पर अपडेट करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज सरोजनी नगर में जो लोग कहते थे उनको मुंहतोड़ जवाब यहाँ मिल गया और अभी आरती होगी और हम सब मिलकर आरती करेंगे। और सिर्फ इसी साल ये आरती नहीं हो रही है, हर साल 27 दिसंबर को, आज जो शिलान्यास हुआ है, हर साल 27 दिसंबर को ऐसे ही यहाँ पर भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा और यहाँ पर आरती का भी आयोजन होगा, ये मैं वादा करता हूँ। अब जब लोग आएंगे तो जवाब दे दीजिएगा और मेरी माताएं, मेरी बहनें जरूर जवाब देंगी। जवाब तो देंगी ना, क्या कहेंगे आप? कमल खिलेगा, कमल खिलाना है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि काकोरी में तो तुमको वोट नहीं मिला है, क्या करोगे वहां काम करके? मैंने कहा तब नहीं मिला होगा, अब जरूर मिलेगा। इस बार कमल ही कमल, कब बटन दबेगा, कोई और बटन नहीं दबेगा, क्योंकि कमल पर तो माँ लक्ष्मी बैठ कर आती है और माँ सीता भी लक्ष्मी का ही रूप थी। और यहाँ जितनी मैंने कहा ना, यहाँ पे सब माँ सीता बैठी हुई हैं। जब माँ सीता यहाँ पर वनवास के टाइम में, उस समय उन्होंने अपने चरण धोए, अपने पैर धोए। आज कितनी बड़ी बात है, ये सौभाग्य की बात है कि सरोजनी नगर में एक ऐसा भी स्थान है जहां पर माँ सीता, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण का यहाँ आगमन हुआ था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यहाँ भगवान शंकर का भी मंदिर है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को और मैं आग्रह करूंगी कि अब आरती के लिए चलते हैं वहां, और दीपदान भी होना है तो दिया भी जलाएंगे और आरती भी करेंगे। और सिर्फ इसी साल नहीं होगा, हर साल 27 तारीख को, 27 दिसंबर को यहाँ हम भव्य आयोजन करेंगे भजन संध्या। मैं जब यहाँ आ रही थी कुछ दिन पहले से मेरी चर्चा हो रही थी, यहाँ अपने ब्लॉक प्रमुख है सुनील, यहाँ रंजन है, यहाँ संजय है, सुभाष है, इन लोगों से चर्चा हो रही थी। मैं एक उदा देवी के कार्यक्रम में गई थी और वीरांगना उदा देवी उनका नाम है, तो मेरे मन में इच्छा आई कि क्यों ना हम उनके भी मूर्ति की स्थापना कर दें। और आज ही मैंने SDM को बोला है, कौन सा गाँव, सहजनपुर में, मैंने तो कोई और गांव बोला था लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि सहजनपुर में आप बनवाइए, रोड पर जमीन है, अगर वहां ग्राम सभा की जमीन सड़क पर होगी तो उसी जमीन पर वीरांगना उदा देवी की मूर्ति की भी स्थापना मैं कराऊंगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे भाई भी कहते हैं कि जब वीरांगना उदा देवी की मूर्ति लगेगी, एक वीरांगना की, एक महिला की, एक माँ की मूर्ति लगेगी तो सब ताली बजाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात। अब आरती के लिए चले, यहीं बैठा है लेकिन बाकी नहीं, बाकी लोग यहीं बैठेंगे, बाकी लोग यहीं, भैया आप लोग यहीं पर उतर जाएंगे सीढ़ियां पर, या दर्शन लोगों को दिखेगा ना, ये लाइट कट गई है अभी आ जाएगी, चेंज कर रहे हैं, आप लोग सीढ़ी से उतर, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, आरती शुरू होने जा रही है। सब आपका आशीर्वाद है।
जारी भव्य आरती का आयोजन किया गया है। आज भजन संध्या का भी आयोजन किया गया और अब भव्य आरती की तरफ जा रही हैं, दीपदान भी करेंगी। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वैसे ही सरोजनी नगर में भी माँ सीता का मंदिर बनना चाहिए। और जब ये ताल बना है जहाँ पे माँ सीता ने अपने पैर धोए थे, तो वहां का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए, कायाकल्प होना चाहिए, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। तो तमाम बातें कही हैं और इसके साथ ही एक मुख्य बात ये कही कि जितनी भी महिलाएं नारी इस कार्यक्रम में मौजूद है, उन्हें सीता की संज्ञा दी। स्वाति सिंह ने सीता की संज्ञा से संबोधित किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और जब इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वाति सिंह आई, तो वो सबसे पहले महिलाओं के पास गई, महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाई, उनके बीच बैठी, पूरे कार्यक्रम में महिलाओं के साथ ही रही। साथ ही एक सुंदर शाम भव्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जो गीत सुने आपने, वो गीत सभी मातृत्व को समर्पित थे। और ये गीत की प्रस्तुति की गई, साफ तौर पे दिखाया जा रहा था कि महिलाओं को आगे लेकर चला जा रहा है। और अब आरती की तरफ बढ़ रहे हैं और अब स्वाति सिंह सबसे पहले तो भव्य आरती करेंगी और आरती के बाद दीपदान की प्रक्रिया की जाएगी। तो आज शिलान्यास कर लिया गया है और ये शिलान्यास किया गया है और जिसके लिए आपको बता दें 1,57,75,000 रुपए मुहैया करवाए गए हैं, ताकि इसका जीर्णोद्धार हो सके, कायाकल्प हो सके और साथ ही साथ ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। ये बताया जा रहा है कि इस तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा, जिसके पास एक सुंदर पार्क भी बनाया जाएगा, जिसकी वजह से काफी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इसके पास जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस ताल के पास, तो लोगों के व्यवसायिक मौके भी मिलेंगे, जिसकी वजह से उनको व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। तो भीड़ बता रही है कि कितना प्यार मिल रहा है स्वाति सिंह को उनके विधानसभा से। कई मुख्य बातें कही हैं आज स्वाति सिंह ने। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय जब विपक्षी दल घर पे बैठ के फेसबुक और ट्विटर की राजनीति कर रहे थे, तब बीजेपी जनता के बीच उनको उनके लिए काम कर रही थी, यहां तक कि उनको चप्पल पहनाने तक का काम किया है, कई शिलान्यास करे हैं, विकास काम करे हैं चुनाव से पहले, और क्या सौगात दे सकते हैं अपनी विधानसभा को, यह भी बताया है। तो चुनाव का माहौल है और ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त ही सिर्फ एक्टिव दिख रही है स्वाति सिंह। जिस तरह का प्यार देखने को मिल रहा है उनके इस कार्यक्रम में, वो बता रहा है कि स्वाति सिंह ने कितना काम किया अपनी विधानसभा के लिए और जिस तरह का प्यार और जो माल्यार्पण किया गया, उनको पुष्प भेंट करे गए, सेल्फी लेने के लिए लोगों की जो भीड़ उमड़ पड़ी, ये सब बताते हैं कि काम तो दिख रहा है। तो काम के बारे में भी स्वाति सिंह बताती हुई दिखी हैं। घोषणा की गई थी पहले इस तालाब के लिए, लेकिन 21 लाख रुपए में इस जगह का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता था, ना ही इससे कुछ खास फर्क पड़ता, जिसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा। पैमाइश हुई, जमीनी विवाद जो भी थे इस जगह पे उनको दूर कराया गया। उसके बाद जो बजट आवंटित हुआ वो 1,57,00,000 का हुआ। उसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ पे सिर्फ तालाब का ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में स्वाति सिंह ने कहा है कि वो जिस मंदिर में आज जिस शिव मंदिर में पूजा करी गई है, उसका भी कायाकल्प करवाएंगी। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरती की।
भव्य आरती का आयोजन किया गया है और इस बात का भी ऐलान किया गया है स्वाति सिंह के द्वारा कि सिर्फ आज नहीं हर साल 27 दिसंबर को भव्य भजन संध्या और भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। क्या है घुरघुरी ताल पे जो कि सरोजनी नगर में है, आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और स्वाति सिंह ने सबसे पहले दीपदान किया, भव्य आरती हो रही है। ये आरती आपको गंगा आरती की याद जरूर दिखाएगी, जिस तरह से गंगा आरती में भव्य आरती होती है आपने नजारा देखा ही होगा, उसी तरह घुरघुरी ताल पे भी भव्य आरती का आयोजन किया गया है जिसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के भी इंतजाम है और ये भीड़ बता रही है कि किस तरह से प्यार मिल रहा है स्वाति सिंह को। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी कहा कि जनता का प्यार मिला है, इसी वजह से वो जीत पाई है, जीत के विधायक बनी और राज्य मंत्री बनी। उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और अब आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम सरोजनी नगर के घुरघुरी ताल से। संध्या आरती का आयोजन किया गया है, हर साल 27 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन इस भव्य संध्या आरती और भव्य संध्या
भजन का आयोजन किया जाएगा, ये ऐलान किया है स्वाति सिंह ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सरकार है वो काम कर रही है, लोगों के भले के लिए काम कर रही है, कोरोना काल में किस तरह से काम किया है, विकास के लिए कितना काम किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। स्वाति सिंह ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर की राजनीति करते हैं और कोई काम नहीं होता है, तो सोशल मीडिया पे बैठ के उसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन जनता के बीच में नहीं जाते हैं। स्वाति सिंह ने बताया कि किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया है, जनता के हित में काम कर रही है। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घुरघुरी ताल से, जहाँ पे स्वाति सिंह मौजूद है और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। भव्य आरती देख सकते हैं आप, किस तरह से भव्य आरती की जा रही है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई उससे पहले ही शिव मंदिर में स्वाति सिंह ने पूजा अर्चना की मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की गई, जिसका सीधा प्रसारण हमने आपको दिखाया। और अब भव्य आरती का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे शांतिमय माहौल देखने को मिल रहा है, मन को सुकून देने वाला ये माहौल देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा प्रसारण प्राइम टीवी कर रहा है। आया है और सरकार से इसके लिए 1,57,00,000 रुपए भी मंजूर करवा लिए हैं। जब इस तालाब का सौंदर्यकरण हो जाएगा तो नौका विहार की सुविधा मिलेगी, तालाब के किनारे सुंदर पार्क बनेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे। इन्हीं सब कामों को देखकर जनता का प्यार उमड़ रहा है और इन्हीं सब की वजह से आज जनता स्वाति सिंह के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ सिंगापुर बनेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, मातृशक्ति को समर्पित गीत भी आपने सुने कि सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माँ नहीं मिलती, माँ और मातृत्व को बढ़ाती हुई नजर आ रही है स्वाति सिंह और इन्हीं सब को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हर साल 27 दिसंबर को भव्य भजन संध्या और भव्य आरती का आयोजन यूं ही किया जाएगा, इस बात का ऐलान स्वाति सिंह ने किया अपने संबोधन के दौरान। और ये भी कहा है कि जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, फिर से कमल खिलेगा और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, काकोरी में भी कमल खिलेगा। तो
भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव, क्या कुछ देखने को मिला आज इस कार्यक्रम में? कम से कम कितनी भीड़ होगी? गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जिस तरह से आज भीड़ देखने को मिली है, ये बता रही है कि जनता कितना प्यार दे रही है और लगभग हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और सिर्फ लोग यहाँ मौजूद ही नहीं, अपना प्यार भी दे रहे हैं, माल्यार्पण किया, फूल दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, तोहफे दिए हैं और अपना प्यार आशीर्वाद भी दिया, सभी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था। गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगातार उसको जब ध्यान दिया गया था, उसी तालाब का आज प्रमुख कार्यक्रम किया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है जो आज विधायक है सरकार ने महिला कल्याण उनके द्वारा एक तालाब से दूसरी तालाब से प्रमुख तालाब है कहा जाता है। यहाँ पर पीता कल्याण के दौरान यहाँ पर पैर दिए थे कि वही तालाब है उसका गिरफ्तार कार्यक्रम किया गया है। बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर स्थायी मेरे को खासा जुड़ाव भी है क्योंकि बहुत ही पौराणिक तालाब है और पूरी पौराणिक तालाब होने के साथ साथ यहाँ के लोगों ने उसका जुड़ाव भी है और साथ ही साथ एक उत्साह भी जरूर मिल रहा को लगातार ये जुड़ाव कि पहले भी इस तरह से कार्यक्रम में लोग जीत चुकी है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सरोवर आरती की जारी मैं बता दूँ किस तरह से यहाँ पर एक सरोवर आरती की गई है। अभी अभी बाकी सिंह जो यहाँ की विधायक हमारी घोषणा की है कि हर साल यानी 27 दिसंबर को तालाब के पास में तालाब की जगह पर तालाब स्थल पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हर बार यहाँ सरोवर आरती की जाएगी ऐसी घोषणा अभी हाल में हमने अपने सम्मेलन में कही है और जनता का भी खाली समय हमको मिल रहा है, जनता का भी सम्मान है, लगातार एक काम करके आ रही है, जो हमने काम किया है बेहतर काम किया है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी अगर जनता अगर वो खड़ी होती है तो जनता मुख्यमंत्री को दोबारा मौका देगी जिस तरह से अभी तक उन्होंने काम किया है। तालाब के पास किस किस देवी देवता का मंदिर है और क्या अभी तक सीता माता का मंदिर वहाँ पे बना है या फिर स्वाति सिंह ने बनवाने का वादा किया है? जी गौरव, हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो घुरघुरी तालाब है उसके पास कौन कौन से देवी देवताओं के मंदिर है? और बहुत पुराना मंदिर है, गुरुजी तालाब है उसका तो अलग ही नाम है कि वहाँ पर सीता मैया ने अपने बर्बाद भ्रमण के दौरान बर्बाद कर उनको राम करने के साथ में जगन मतलब चारों तरह उन्होंने अपने चरण दिए थे इसे पुराने थे और स्वास्थ्य सेवा के संबंध में कहा भी है कि लगातार तालाब की कई सरकारों अनदेखी की गई थी लेकिन मैंने कथन खाई है कि जो तालाब एक पुराने तालाब को गुजरा करके आऊंगी और मैंने उसके लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इसको पुराना समाज यहाँ पर जो बाउंड्री कर रहे हैं और पब्लिक रूप से उसको विकसित किया जाएगा इसलिए 1 करोड़ 57 राशि अभिनेत्री बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर और जिस तरीके से जो बड़ा कार्यक्रम है और खास उत्साह भी है और खास कर मंदिर जो लोग मंदिर है बगल में चतुर्मुखी हनुमान जी का मंदिर भी है बड़ा स्थल है और निश्चित देश जी। गौरव, सरोजनी नगर विधानसभा के विकास के बारे में क्या कहेंगे? पहली कैसी तस्वीर थी और अब क्या तस्वीर बदल चुकी है? मैं बता दूँ की सरोजनी नगर क्योंकि ग्राम सभा बहुत बड़ी है और विशेष रूप से जिस तरह से यहाँ पर काफी यहाँ पर काम कर रही है और जनता है यहाँ पर जनता है लगातार काम कर रही है जनता के लिए इसलिए बहुत बहुत जी। गौरव, जिस तरह का सख्त रुख देखने को मिलता है काम के प्रति, कहीं भी काम में ढिलाई नहीं बरतने देती हैं स्वाति सिंह, तो विकास में कितनी जरूरत है इस रवैये की? देखिए, अगर मैं यहाँ पे विकास की बात करूँ तो मेरे यहाँ के लोगों की बात उनका कहना है इस तरह से स्वाति सिंह यहाँ विधायक बने से पहले भी यहाँ पर जो सरकार है वही विधायक बने इतना काम नहीं किया जितना काम की सरकार ने किया लगातार इसी द्वारा काम किया गया ज्यादा काम किया है और जनता के बीच काम को एक संदेश दी गया है खासतौर से किस तरह से उन्होंने अपने मिला बिना दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो आरती है वो शुरू हो चुकी है जैसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आरती शुरू हो चुकी है और स्वाति सिंह यहाँ पर आरती कर रही है सरोवर की आरती के कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया था उस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वाति सिंह यहाँ पर आरती करती नजर आ रही है। आरती का बड़ी संख्या में आपको दिखाऊंगा बड़ी संख्या लोगों का हुजूम है
बड़ी संख्या में लोग हुजूम है जो यहाँ पर जनता यहाँ की जनता है, संदेश की जनता यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ा कार्यक्रम है, 5 से 10 हजार के लगभग यहाँ पर जनता मौजूद है, बड़ा कार्यक्रम है। और यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री यहाँ की वर्तमान विधायक है जो करीमनगर विधानसभा की वर्तमान विधायक स्वाति सिंह यहाँ मौजूद है। अभी अभी इनके द्वारा आरती की गई थी, तो बड़ा कार्यक्रम है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आने वाले बजट में 27 दिसंबर होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को आराम से जिंदर के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसलिए हर साल यहाँ पर 27 दिसंबर को सीधे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और बरोबर आरती की जाएगी, उस तरह का भी आज दीपोत्सव किया गया है, वैसा ही दीपोत्सव यहाँ पर दोबारा किया जाएगा। तो बड़ा कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से संघ का विधानसभा क्षेत्र ने एक अच्छा संदेश दिया है आम जनता को, कि अगर हमने काम किया तो उसे रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के कारण इसमें जो परियोजना की बहुत पहले लंबित हो गई थी, पर कोविड खत्म हो गया है और इसके कारण हमने परियोजना के लिए जो राशि अनुमोदित हो गई है और सरकार द्वारा इसे क्रियान्वित कार्यक्रम कर दिया गया है। और अब इस कार्यक्रम के बाद से उस पुराने तालाब है उस तालाब का एक बाउंड्री कार्य का कार्यक्रम शुरू हो गया है और शुरू हो जाएगा। और एक यहाँ पर विकसित हुआ है, ये बहुत बेहतर प्रयास रहेगा। वही अगर विकास की बात करें तो कई ऐसे बड़े काम उन्होंने किए हैं, खास करके मेला के लिए विशेष काम रखा गया है। मेला में काम के समूह के अलावा जो भी बड़ी सरकारी काम योजना है जो मेला के लिए है, तो सारी योजना को क्षेत्र के अंतिम मेला तक बताया है। काफी सुंदर ये यहाँ के मेला का कहना है जी। गौरव, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना समय लगेगा इसका जीर्णोद्धार और कायाकल्प होने में? देखिए, अभी फिलहाल जो घोषणा बताया गया, लगभग 1 से 1.5 साल यहाँ लगेगा इस कार्यक्रम काम किया जाएगा। 1,57,70,000 की राशि यहाँ की लगेगी, बड़ा कार्य है। क्योंकि आप देखो ना, आपको कैंसर में दिखाया था काफी जर्जर अवस्था में, क्योंकि कई सरकारों ने स्थापित कर दी थी। जिस हिसाब से यहाँ होना तालाब है और लोगों का जवाब है, उस हिसाब से यहाँ पर जिस तीन सरकार है उन्होंने जर्जर काम नहीं किया था, इस कारण देश के कारण ये तालाब आज भी जर्जर अवस्था में था। पर यहाँ पर आज तालाब की जीवार करके यहाँ के सर्वे कर का काम जल्दी हो गया है, उससे निश्चित रूप से एक से डेढ़ साल में इस तालाब को बेहतर बनाने को मिलेगा। और एक पर्यटन व्यक्ति को जी गौरव, पर्यटन की दृष्टि से इसका कायाकल्प तो किया जा रहा है, पर्यटकों को यहाँ पे आकर कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? अभी तक फिलहाल इस तालाब की बड़ी बड़ी बात करिए, इसके अलावा यहाँ पर जो डोबेशन बनाने का मतलब है वो भी बहुत हो रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर बच्चे भी बनाते हैं जो भी बहुत बड़े कार्यक्रम है। यहाँ पर एक ओपन ग्राउंड है, लखनऊ में जिस तरह से यहाँ प्रेजेंट की जो स्थित होगा, इसी रूप से यहाँ के लोग हैं वहाँ उनको रोजगार मिलेगा। और काफी काफी यहाँ की विधानसभा है करने के माध्यम से एक 4-4 लग सकेंगे, तो अच्छा कार्यक्रम है, अच्छा एक प्रमेश यहाँ पर हो रहा है। और पौराणिक है तो पौराणिक रूप से अकेले जिससे भी बनेगा तो लोगों की मान्यता से जुड़ी रहेगी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और तालाब के दर्शन करेंगे जी। गौरव, जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हम कोई ना कोई प्रार्थना मांगते हैं, तो आज जिस तरह से स्वाति सिंह ने पूजा करी है, तो उन्होंने क्या कुछ प्रार्थना मांगी है भगवान से? उन्होंने यही कहा है कि चूंकि मैं यहाँ पर लगातार काम कर रही हूँ और यहाँ लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, तो मुझे इतनी शक्ति दें और मुझे दोबारा मौका दें कि मैं यहाँ के लोगों के लिए और काम कर पाऊँ। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला शक्ति है, उसकी देश के विकास में हमेशा ही भूमिका रही है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर स्वाति सिंह का संबोधन शुरू हो गया है जी। बिल्कुल, तो चलिए हम अपने दर्शकों को अब दिखाते हैं कि स्वाति सिंह क्या कुछ कह रही है। अभी
हम लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे, हम कार्यक्रम दो मिनट बात कर लेंगे, थोड़ा मीडिया की नजर पीछे। अभी पप्पू जी लोग अपने कहना चाहूंगा यहाँ पर जो यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय जो की आरती लिया था उसके साथ यहाँ पर छायाचित्र लिया जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम है और बड़े कार्यक्रम आपको बहुत बेहतर कार्यक्रम यहाँ पर साबित हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि लगभग 5 से 10 हजार के लोग यहाँ पर लगभग मौजूद रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है, उस बड़े कार्यक्रम के आपसे बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पर देखने मिली और जनता जन समर्थन को देखने को मिल रहा है। भाई तुम कर लो बेटा। हेलो हेलो, जन समर्थन देखने को मिल रहा है। गौरव, जिस तरह से अभी स्वाति सिंह ने संबोधन दिया और क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम जानकारी चाहेंगे। गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी। गुड़गुड़ी का तालाब है ये अपने आप में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा बजट तालाब के लिए उन्होंने पास किया, अच्छे सौंदर्यीकरण के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए। और आज उसी शिलान्यास का कार्यक्रम था यहाँ पर कुकड़ी के तालाब का, उसी में आज इतनी भीड़ उमड़ी थी और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है यहाँ पर। हम आरती कर रहे हैं और देव दीपावली की तरह यहाँ दिए जल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि आज 27 दिसंबर है, हर साल 27 दिसंबर को हम एक कार्यक्रम यहाँ पर ऐसे ही आरती का करेंगे और या तो उस दिन करेंगे या फिर देव दीपावली के दिन करेंगे, दोनों में से किसी एक दिन। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जो जन भाव, जो भावना है जन लोगों के प्रति, जनता के प्रति, वो इस सरकार में ही दिख रही है, किसी और सरकार में। काम कर रही है, आने वाले समय में और कौन से काम आपके द्वारा किए जाएंगे? बहुत सारे काम है। देखिए, ये कहना कि काम खत्म हो गया, शायद कभी काम किसी व्यक्ति को जीवन में, हमेशा आदमी सीखता है और हमेशा कुछ ना कुछ करता है, काम चलता रहेगा। मेरी कोशिश ये जरूर है कि अगले 5 साल में मेरे क्षेत्र का कोई भी युवा ऐसा ना रहे जो बेरोजगार रहे, और कोई भी महिला ऐसी ना रहे जो पढ़ी लिखी नहीं भी है और समूह से जुड़ी हुई, तो जरूर वो अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर ये काम करते, इतना पैसा जरूर कमाए कि अपना अपने घर परिवार। महिलाओं ने रहता था, महिलाओं में खासा रुझान है, आपसे बात करेंगे, कह रही है बहुत जो सारी योजना है वो आपने उन तक पहुँचाई है, क्या मानते हैं योजना पहुँचाई जाएंगे? देखिए, माननीय प्रधान चाहते थे कि इनके लिए ट्रेनिंग कराया जाए, इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। मैंने उनका जो एक सपना था, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में देखेंगे कि हर विभाग में कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह का ये सब मेरा घर परिवार है, मैं इनको तो ऐसा प्रदेश सरकार की महिला विकास एवं कल्याण राज्य मंत्री का कहना है कि मैं लगातार पहले भी यहाँ पर कई सारे काम हुए हैं तो आगे भी की जाएंगे। भाई इन्होंने ये बात भी कही है, तालाब
आगे भी करती रहेंगी और जो भी काम अपने बाकी है वो भी आनंद करते रहेंगी। अगर जब तक दोबारा मौका देंगी तो जिससे उनके सड़क घर विधानसभा क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र में सबसे अव्वल दिखाई बुरगुरी तालाब से जहां का सौंदर्यीकरण के लिए आज शिलान्यास हुआ है। महिला ग्राम प्रधानों का माल्यार्पण भी किया गया। तमाम कार्यक्रम हुए, भव्य संध्या आरती की गई, दीपदान किया गया। और अब ये बात भी सामने आई कि देव दीपावली या फिर आज ही के दिन यानी 27 दिसंबर के दिन यूं ही दीपदान किया जाएगा और देव दीपावली की तरह पूरे तालाब को सजाया जाएगा। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।